झाड़ू मारती थी मैं, झाड़ू का हो? हाँ मारो बहुए कहीं के गाली दे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ शमा और मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज की मेरी खूबसूरत सुबह का आगमन हुआ कुछ गांव में इस तरह। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये ब्लैक टी। और गांव में ज़्यादातर मैं बता दूँ दूध की चाय लोग कम ही पीते हैं, ब्लैक टी ही पीते हैं। और कितने बरसों से मैं इस खूबसूरत सुबह का मैंने बहुत मिस किया है इस सुबह को। और शहर की भाग दौड़ में हम लोग के कितने बिजी रहते हैं, धूल गाड़ियाँ ये सो ट्रैफिक ध्वनि प्रदूषण, लेकिन यहाँ ना कोई ध्वनि प्रदूषण है, ना गाड़ियों का शोर है, ना कुछ है। बहुत शांति और बहुत सुकून, और चारों तरफ देखो तो हरा भरा, जो आँखों को एक बहुत सुकून देता है। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे बस स्वर्ग में हूँ, और बहुत सुंदर लग रहा था। और मुझे प्रकृति से वैसे भी बहुत ज़्यादा प्यार है, और प्रकृति मुझे हमेशा अपनी तरफ खींचती है। और जब मैं ऐसे लोगों के बीच में रहती हूँ जो जिनकी मौजूदगी मुझे सुखद एहसास देती है, जो मेरे लिए हर पल अच्छा सोचते हैं, और जो हमेशा मेरा अच्छा सोचते हैं, और ऊपर से ऐसी प्रकृति के बीच में हूँ मैं, तो मेरे इस टाइम पे तो मुझे लग रहा मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ। और ये घर बहुत मुझे लग रहा काफ़ी साल पुराना, मैं 2-3 साल की थी तब ये मकान बनाया था। उस टाइम पे पहले पठाल का था, तो पठाल बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उसकी छत होती है। तो उसके बाद ये मकान तोड़ के इस तरह से सीमेंट का इस तरह से बनाया था। तो मैं कोशिश करूँगी इसका वो करूँगी, एक बार होम टूर करने की कोशिश करूँगी जाने से पहले। और यहाँ पर मेरे बड़े भैया हैं, सबके लिए पानी गर्म कर रहे हैं ताकि सब नहा धो के फ्रेश हो जाएं। और मेरे पापा लोग 6 भाई हैं और मेरी एक बुआ है। तो मतलब बहुत प्यार है सब में आपस में, बहुत ज़्यादा, जो आजकल बहुत कम देखने को मिलता है। इसीलिए उनके बच्चों में, हम लोगों में भी आपस में बहुत ही अपनापन, एक दूसरे के लिए बहुत ही प्यार, इज्जत और एक अपनत्व है। और वैसे तो सब लोग बिजी रहते हैं अपनी अपनी लाइफ में, लेकिन जब भी ज़रूरत होती है किसी को तो सब एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं। यही तो अपने होते हैं और यही तो रिश्ते होते हैं। और मैं आज अपने दादा दादी को नमन करती हूँ कि उन्होंने अपने बच्चों में इतने अच्छे संस्कार डाले जो आज हम लोगों तक पहुँचे हैं। तो ये है मेरे दादा दादी। है सुबह के कितने बज रहे हैं टाइम पता नहीं, बस सुबह हो रहा है इतना मालूम है, क्योंकि यहाँ तो मोबाइल वगैरह कुछ अभी देखा मोबाइल भी मैंने, तो यहाँ देखो ठंड हो रही है, स्वेटर पहन रखी, काफ़ी ठंड लग रही है और मौसम भी बहुत कूल हो रहा है। देखो मैं आज अपने गांव की, मेरा गांव का है ये, इस गांव में यहाँ मैं पैदा भी हूँ, मेरा बचपन बिताया है यहाँ। तो मैं यहाँ का एक होम टूर करूँगी, मेरी आवाज़ बैठ गई है। बहुत देर तक कीर्तन होता रहा, डांस गाना बजाना, पहाड़ी डांस वगैरह तो काफ़ी टाइम तक चलता रहा, कम से कम रात के मिल 2 बजे तक, तो गला भी बैठ गया पूरा। तो मैं आपके साथ फिर अभी मैं आपको अपने गाँव का व्यू दिखाती हूँ। चलो सीनरी के साथ बोलेंगे। ये मेरी बहन है रजनी, नहीं बाबू डिलीट करो, कर दूंगी डिलीट करो, मेरी मम्मी रजनी बहुत आती है, उसे मेरी बात हो जाती है कभी। ये मेरी पत्नी कौन है इसे कौन जानती, ये आपकी है, ये हमारी नहीं है। वो देखो मेरे भाभी का, माए का सामने, बड़ी वाली का स्कूल में जाती थी। देखो सुजाता बता रही है, उसे स्कूल में पढ़ाते थे। देखो हम लोग यहाँ ऐसे ब्लैक टी, आज वो है ब्लैक टी पी रहे, लेकिन ये देखो पहाड़ों की सुंदरता। कहाँ है कीर्तन? ये देखो मेरे गांव की खूबसूरती। सुजाता कुछ कुछ बोल ना, कुछ भी बोल बाबू, कुछ बोल बॉक्स में। ये जरूर बताइए कि आपका गांव कहाँ पड़ता है। हाँ
वो हमारा वो है ना, मेरा नाना कोटन हाँ, अभी नानी का घर है वो। कौन सा? मैं आपको नाना कोट बताती हूँ, ठीक है? यहाँ से दिखता है, पास में ही है। देखो मुझे बैक करना पड़ेगा कैमरा। हाँ कोई है? ये देखो ये मेरा नानी कोट है, ज्यादा दूर नहीं है। देख सुजाता, सुजाता देख कैसे कैप्चर कर रहा है। अच्छा ना, ये देखो रजनी। ये देखो ये मेरे भाभी, ससुराल गेंदा फूल। बेचारी कल से काम कर करके थक गए हैं। अरे ये देखो ये बहू, बहू बनाम क्या? क्योंकि इसे कोई नहीं बोलेगा इसलिए। हाँ मारो बहू है कहीं की। गाली दे। हमारी वो कर रही सारी। हम घूमने चलेंगे शाम का सर है। हाँ चलेंगे। अपना गांव में कितना अच्छा लगता है बचपन। तुम याद है जब पम्मी तुम लोग यहाँ से पढ़ाई कर रहे थे, तुम इंटर क्या ना सर? नहीं किया। मुझे कह रही रात को फेमस हो गई थी, ऊपर जाके मुझे कह रही तू नीचे क्यों नहीं जा रही है। पम्मी ने मुझे, मैंने अभी देखा मैसेज करा हुआ सुबह, देखा उसने देखा। तो आप तो फिर क्या है? मैं सो गई थी। क्यों सर? ऊपर जाके पता ही नहीं चला हमें तो। मैं बाद में आई लास्ट। आपके सुजाता जो गांव में आती ना ऐसे काम करती है। देखो ये हमारे आप पीछे पे सुजाता से झाड़ू मार रही है। देखो गांव में यहाँ कोई नाने की तैयारी में, यहाँ पर कोई ऐसी बस एंजॉय कर रहा है, देख रहा है कि कैसे झाड़ू मारा जा रहा है। घर में बहुत मार लिया। और बहुएं काम पे झुकी हुई हैं, बेटियां मसरूफियत हैं इनकी इधर से उधर। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी बातों को सीरियस मत लेना, कि जैसे मैं बोल रही हूँ मैं यहाँ पर सबके साथ मजाक करती हूँ, क्योंकि हमारा कंफर्ट जोन बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ बहुओं को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, उन्हें प्यार दिया जाता है, इतना कि बेटियों से भी ज़्यादा दिया जाता है। और हमारे यहाँ खाने के लिए जब भी कुछ कार्यक्रम होता है, इतना लोगों का खाना बनाना पॉसिबल नहीं होता, तो जैसे शहरों में मतलब हलवाई होते हैं, गाँव में सरोला, हाँ सरोले बोलते हैं उनको, उनको हायर किया जाता है और वो लोग खाना बनाते हैं सबका। तो यहाँ काम ऐसा कुछ था नहीं। और अब हम लोग नहाने धोने के बाद और फ्रेश होने के बाद हम लोग जा रहे हैं ओणेश्वर महादेव के मंदिर, जो हमारे कुल देवता भी है और सिद्धपीठ मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। तो आगे का व्लॉग मैं वहाँ से शुरू करूँगी। तो आई होप आपको मेरा आज का ये सुबह का मॉर्निंग का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन दबाना, ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।